नमस्कार दोस्तों, घाघरा पहनते हैं, इवनिंग गाउन पहनते हैं तो आपको मैं एक ये टिप बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक पेटीकोट को अगर घाघरा पहनते हैं तो घाघरे के नीचे या फिर किसी इवनिंग गाउन के नीचे, जिसमें भी कैनकेन की रिक्वायरमेंट है कि आपको कैनकेन वाला फुला पहनने के बाद नीचे जो घेर अच्छे से फुला हुआ आना चाहिए, तो उसके लिए आपको इस तरह के पेटीकोट को बना के रखना चाहिए। इस तरह के पेटीकोट को बनाने के लिए देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ का एक पेटीकोट ले लिया है जो बाज़ार में 150-160 रुपए में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ये मेरे पास कैनकेन लाया हुआ रखा है। इस कैनकेन को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, कैनकेन को ऐड करना तो बहुत ईजी है, बस आप इसको रख करके सीधा चुन्नट मार मार कर सिल सकते हैं। मगर उसमें भी जो है उतना जो फुलाव होता है पेटीकोट का, जो घेर होता है, वो घेर उसमें नहीं आ पाता है। तो क्यों नहीं आ पाता है, उसे कैसे हमें सिलना चाहिए, तो मैं आपको इसमें इस वीडियो के ज़रिए आप ये जानकारी पहुंचाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें मैं कैसे लगाता हूँ। वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेटीकोट है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ कितनी है, 38 इंच इसकी लेंथ है, और जो कि श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, तो लेंथ तो छोटी हमें नहीं करनी है। चलिए अब ये कैनकेन जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कि ये कैनकेन जो है वो इस तरीके से, इस कैनकेन को हम सीधा कर लेते हैं, जो ये हल्का सा तिरछा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये वही कैंची है जिसको मैंने आपको धार करने का जो वीडियो बताया था, और उसके बाद अभी तक मैंने इसे वापस इसमें धार लगाने के लिए नहीं भेजा है। वो ये अभी तक चल रही है मेरी कैंची और बराबर वर्क भी कर रही है, क्योंकि बहुत धार तो तेज हो गई है इसमें। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है कैंची धार करने वाला, तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कैंची की जो धार को है तेज कर सकते हैं। चलिए अभी हम इस घाघरे को बनाते हैं, पेटीकोट को। तो देखिए, जहाँ तक या नीचे लेंथ से ये देखिए बराबर ले लिया है मैंने, और ऊपर यहाँ हम इसमें टिक कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कैनकेन का साइज़ कितना है और कितना इंच का हमारा कैनकेन है। तो देखिए, 18.5 इंच का कैनकेन है, 18.5 इंच का हमें मार्किंग कर लेना है इसमें। मार्किंग ये देखिए हो गई है पूरी अच्छे से। देखिए, जिस तरफ ये बांधने का जो हमारा नाड़ा दिया हुआ है, उसी तरफ से हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। नीचे का भाग है और ऊपर का भाग हमने इस तरफ रखा है ताकि हमें कैनकेन को सेट करने में दिक्कत ना हो। कैनकेन बराबर इस तरफ आता रहेगा, इस तरफ मशीन में जगह कम होती है, इसलिए हम इसे उल्टा रख कर इस तरफ से सिलेंगे। चलिए अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीधा हमें यहाँ जॉइंट पर रख करके पहले थोड़ी सिलाई लगा लेना है। चार अंगुल हमें इसे, देखिए चार अंगुल हमने यहाँ से माप लिया है, जो कि लगभग 3 इंच के आसपास है। इतना ले करके हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके, अब ये देखिए जो ये हमने आगे बढ़ाया है, अब हमें इसे बराबर आधा, ये देखिए इस तरीके से आधा करके, अब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 लड़ हो गया। देखिए तो ये यहाँ से कितना ये इस तरीके से फूल रहा है, ये देखिए। तो
चल पहले मैं इसमें सिलाई मार देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो ये देखिए नॉर्मल हम जब लगाएंगे, अगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ तो ये इससे ये ज़्यादा फूल रहा है देखिए। तो वैसे ही हमें इसे कंटिन्यू सिलाई लगाते जाना है। फिर इसे हमें चार अंगुल इसे छोड़ देना है। बहुत पास पास हो जाएगा तो आपका केन बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमें इतना छोड़ करके ये देखिए इतनी दूर में तीन अंगुल के आसपास हमारा गैप आ रहा है, तीन से चार अंगुल गैप आ रहा है। उसके बाद फिर हम इसे आप और नज़दीक कर सकते हैं, थोड़ा और पास कर सकते हैं, मगर उसमें आपको जो केन है वो ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। ये लगाते भी जाएंगे और हम इसे कपड़े को देखते भी जाएंगे कि नीचे से हमारा ये छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है कहीं। इस तरह का जो पेटीकोट है वो बनाने के बाद आपको सिर्फ एक पेटीकोट ही बनाना पड़ता है, बाकी आपको फिर घेर के लिए कभी अगर आप कोई घाघरा बनाएं, या कोई हैवी ड्रेस इवनिंग गाउन जैसा पहनना है आपको, तो आपको उसमें नीचे केन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो रेडीमेड केन लगे हुए आते हैं वो तो बहुत ना के बराबर कम होते हैं, इसलिए वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए यहाँ तक हमने केन को लगा लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा हमारा जो केन बचा है यहाँ से कट कर देते हैं। इसे जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बराबर पूरी राउंड में हमने जितना बराबर बराबर लिया था उतना ही है। और ये देखिए ये फोल्ड, अब इसे यूज करने के बाद आपका जो घाघरा है वो और भी अच्छे से उसमें फुलाना आएगा। इसमें डबल लेयर का भी जो पेटीकोट होता है वो भी बनता है, कभी आपके साथ वो भी वीडियो मैं शेयर करूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।